बड़े उत्तम परम उड्यो जहाँ तहाँ पाप पग पग पर होएंगे धर्म जेड़ा है ये उड़ जाएगा पाप पैर पैर ते होंगे धर्म परम उड्यो जहाँ तहाँ पाप पग पग पर होएंगे धर्म भरम उड्यो जहां तहां पाप पग पग पर होहेंगे धर्म जेड़ा है कहिंदे उड़ी जाएगा धर्म रहेगा ही नहीं ते पाप पैर पैर ते होंगे भरम होएगा धर्म नहीं होएगा भरम विच भड़कणगे धर्म नहीं तारनगे अगे निज सिख नार गुरु रमै गुरदारा सो सिख सोहेंगे फिर पढ़ियो निज सिख नार गुरु रमै कहिंदे सिखां दी घरवाली नाल गुरु दी संगत होएगी सिख दी स्त्री नाल ते गुरु दी जिहड़ी स्त्री है ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਨਾਰ ਗੁਰੂ ਰਮੈ ਗੁਰਦਾਰਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੋਹੇਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਅਵਿਵੇਕ ਔਰ ਵਿਵੇਕ ਕੋ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਵਿਵੇਕ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪੁੰਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਮਾਹੇਂਗੇ ਸਿਰ ਸਾਚ ਬੋਲ ਉਤਾਰ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣਗੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭੜਕਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
संतां ने कहा इस बच्चे नूं बाणी वाले पासे लावो। बाबा जी दे कोल भी कोई बीबी दात लै गई सी पुत्तर दी, ते ओह माड़ा सी बहुत। फिर बाबा जी दे चरणां च लियाई, बाबा जी ने फिर कृपा करके उन्हूं ठीक कीता, नाम सिमरन बख्शिया बीबी नू। कहिंदा उधार होएगा, एक बाणी है गुरु साहब दी, बच्चे नू इस पासे ला, ये प्रेता तो देवता पशु प्रेतो की तोणु देवता, कीर्तन पाठ सिमर ते गुरु दे चरणा च अरदास कि असी चंगी बुद्धि वाले नहीं, बहुत औगुणा गुणाहां दे भरे हुए हैं, तेरे दरबार में आए हैं कि साडा उधार करो, साडा पार उतारा करो, साडे गुणा बख्शो, आपदा नाम जपाओ अपनी संगत विच। इस करके पशु पत्थर सारे तर जाणगे, पत्थरां दे असर नहीं हुंदा, पशुआं दी बुद्ध नहीं हुंदी। एहो जे बंदे होणगे संगत विच, बुद्ध काम नहीं करेगी, कठोर बड़े होणगे पत्थर वर्गे, पर गुरु साहब ने सारयां दा उधार करना। ये नाम बाणी चीज एहो जी है, संगत सेवा एहो जी है कि ये करन दे नाल साडा उधार होएगा। पर असी गुणा ते पापा दे परे होए, औगुणा दे परे होए शरीर, सेवा सिमरन कर करके तो के मैल लाउणी इन्हां दी, ते फिर उवें उवें पाठ च मन लगदा जाएगा। उसे तरह ही फिर गुरु साहब की सेवा च मन लगेगा, विकार अंदरों निकलते जाएंगे सेवा कर करके। जिन्हें विषय विकार अंदर बड़े हुए ने सारे निकलते जाएंगे सेवा कर करके। गुरु साहब ने सारिया का उधार करना है, पशु प्रेत मुग्ध को उतारे, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलहारे। ये शब्द पढ़ के आप फिर हुक्मनामा सुनांगे, फिर पाठ च संगत ने चले जाना। उच्चा दर बाबे नानक दा मैं सोभा सुन के आया, ये गुरु नानक साहब का घर है, तो सोभा सुन के आया कि इत्थे ही साडी कल्याण है, इसे ही साडा पार उतारा है, यही सानू परमात्मा दे नाल मिलाएगा, सारी मैल साड़ी धोएगा तो गुरु नानक साहब का घर। सारे पढ़ियो प्रेम नाल, गुरु साहब साड़ी मैल उतारन, पाप उतारन, नाम बाणी च साडा मन लगे, सेवा सिमरन भगती च। नहीं तो आप तुरे फिरते हैं, पर आदतां बिल्कुल प्रेतां पशुआं तो पता, बंदे दी आदत तो पता लगना है कि ये देवता आदमी है कि प्रेत आदमी है कि भूत है कि दैत है कि राक्षस है कि सूर है कि पशु है कि कुत्ता है। सारियां आदतें ही सानू दसनगियां भी असी है कौन असल विच, ऐ नहीं जो असी बाहरों नजर आने, ये तो साडा बाहरों पहरावा है, अंदर दी साडे सुभाक ही ने। चोरां या ठगां वाले, कपटियां वाले, झूठ बोलन वाले, देखा देखी बाणी भी सेवा भी सिमरन भी निम्रता भी विखाई जानी सारा कुछ, पर अंदर दे उगण ने गुणा है वह गुरु साहब तो अंदर दे जानते ने बाहर लेनी। इस करके उच्चा दर बाबे नानक दा सुन के आए, बाबा जी मेहर करन। चादर बाबे नानक दा, चादर बाबे ना।
ओ चादर बाबे नानक दा।